सो हाई गाइज़ एंड हाई लेडीज़, बिकॉज़ ये जो वीडियो है वो सिर्फ मैंने लेडीज़ के लिए ही बनाया है, ओनली फॉर स्पेशल लेडीज़। आज इस वीडियो में मैं दो फेशियल गैजेट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर। मैं फेस पे कोई ब्लीच नहीं लेती हूँ, मैं फेस पे कोई फेशियल्स नहीं लेती हूँ, बिकॉज़ मैं फेस पे ये ट्रिमिंग मशीन से मेरे जो भी फेस पे छोटे छोटे बाल होते हैं मैं इस ट्रिमर से रिमूव कर देती हूँ। प्लस मैं साइड लॉक भी, जो लेडी रेजर्स होते हैं उससे मैं साइड लॉक रिमूव कर देती हूँ, और मैं फिर इस ट्रिमर से जो छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको हम ब्लीच से कवर करते हैं, तो इस फेशियल रेजर से मैं वो छोटे छोटे बाल रिमूव कर देती हूँ। प्लस जो मैंने ये आईब्रोज़ भी बनाई हुई हैं मैं इसी से बनाती हूँ। मैंने पूरा लॉकडाउन और पूरी लाइफ में जिसे सर्वाइव करती हूँ, वैसे तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि तेरे फेस पे बाल क्यों नहीं है, तेरे फेस पे बाल क्यों नहीं है, तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरे फेस पे बाल क्यों नहीं है। द ओनली रीज़न वॉज दिस, बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस गैजेट टू रिमूव माई फेशियल हेयर। तो मैं बता देती हूँ, लेट मी वेयर माय स्पेक्स। तो बेसिकली ये गैजेट है ऐसे करके, इसके आगे इंटरनल में तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। एक ये वाइट रिंग है जो आपको बिल्कुल जैसे मैंने निकाला है ऐसे ही लगाना होता है, क्योंकि अगर इसको आप उल्टा सीधा लगाओगे तो ये रेजर नहीं चलता है। अभी मैंने कुछ लगाया नहीं लिपस्टिक वगैरह, बिकॉज मुझे करना है तो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने कोई लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई है। फिर एक ये ऐसा एक फैन टाइप है जिससे कि हमारे बाल खींचते हैं, लोगों को लगता है कि भाई क्या हमारे फेस पे कुछ रैशेस तो नहीं आ जाएंगे। वो रैशेस इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आगे एक ये फैन टाइप, एक ये छन्नी टाइप है, ये एक छन्नी टाइप एक शील्ड होती है। तो मैंने अभी जब ये निकाला है तो ये देखिए, दीज आर हेयर्स, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे उस में से निकला है जो मैंने लास्ट टाइम किया था। तो ये मैंने साफ़ नहीं कर दिया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी जाना था, तो मैंने ये करा था। ये ऐसे छोटे छोटे बाल आपके इसके अंदर इस छन्नी में इकट्ठा हो जाते हैं। आई जस्ट थ्रो दैट अवे। तो आपको इसको कैसे लगाना, बहुत सही तरीके से लगाना है। प्लस ये अंदर एक जो मोटर होती है वो ऐसे मूव करती है, इफ़ यू कैन सी, ये यहाँ पे एक ऐसी लाइट जलेगी, इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस ये आपको बताएगा कि ये ऑन और ऑफ है, दैट्स इट, नथिंग एल्स दिस विल डू। कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, कोई अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है। मेरी फ्रेंड पूछ रही थी मनीषा जी कि क्या इसमें अल्ट्रावायलेट रेज है, कुछ नहीं है, ये बस ऑन ऑफ का एक बताता है। और ये जो अंदर एक फ़ैन है ये मूव करता है इससे। अब ये जो है रिंग है, इस रिंग के अंदर हमने ये सारे कॉम्पोनेंट्स लेयर वाइज लगाने होते हैं। तो पहले ये छन्नी जाएगी, छन्नी आपने ठीक से लगानी है। अच्छा, मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं इसको साफ़ किससे करती हूँ। तो मेरे पास ये बहुत पुराना सा जिससे मैं ब्लशर यूज़ करती थी, मगर अब मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि आई हैव अनदर सॉफ्ट ब्रश आई एम यूजिंग, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपके पास जो पेंट ब्रश होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऐसे इसको साफ़ करेंगे अंदर से, लाइक दिस, ऐसे आपने इसको साफ़ करना है, आपने सिर्फ इसको साफ़ करना है। और ये जो फ़ैन है ऐसे, दैट्स इट, ये जो फ़ैन है इसके अंदर जो भी बाल होंगे आपने निकाल देने हैं, जो भी बड़े बड़े बाल जो भी होंगे वो आप निकाल सकते हैं। मेन जो आपको साफ़ करना है वो छन्नी साफ़ करनी है, क्योंकि छन्नी में जो होता है, जो आपकी ये जो आगे वाली छन्नी, इसके अंदर सारा इकट्ठा हो जाता है, या फिर ये जो है इसके अंदर भी इकट्ठा होता है बाल, तो आपको ये भी साफ़ करना है ऐसे करके। से साफ़ कर दिया है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको लगाती कैसे हूँ। तो ये जो मेरा एक रिंग है, इस रिंग के अंदर पहले वो छन्नी जाएगी, ये छन्नी मैंने ऐसे डाल दी, बिल्कुल बहुत सिंपल है, ये देखिए ये ऐसे छन्नी चली गई ऐसे करके। फिर ये जो फ़ैन है, फ़ैन भी आपने बहुत ही सिंपली इसको ऐसे रख देना है। मेन जो है आपका ये वाइट रिंग, आपको देखना है कि ये वाइट रिंग आपने बिल्कुल सही तरीके से प्लेस करना है, क्योंकि ये वाइट रिंग ही मेन है जिससे जो हमारा गैजेट है
वो सही चलता है, पुल करता है। क्योंकि कभी कभी मैं से जो वाइट रिंग है ठीक से नहीं लगता था, तो मेरे ये फेस पे सही नहीं चलता था। अब ये ऐसे आवाज़ कर रहा है, ये देखिए ये ऐसे चल रहा है। ये जो लाइट है ये ऑन ऑफ का इंडिकेशन है, और ये इतना ही चलता है। यहाँ पे कोई अल्ट्रा वाइट ट्रेस कुछ नहीं है। ये बैटरी वाला भी होता है, मगर ये मेरा चार्ज वाला है, इसको मैं चार्ज कर लेती हूँ। जो मेरा पहला वाला गैजेट था वो मेरा बैटरी वाला था, इसके पीछे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सेल्स लगते थे पहले वाले में, ये पहला वाला जो मेरा गैजेट था सेम था, ये सेल वाला था। मगर जो मैंने जो दूसरा ऑर्डर किया वो मेरा आया चार्ज वाला, बिजली वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो ये इसको यहाँ पे आप लगा देंगे, आधे घंटे के लिए चार्ज हो जाएगा। और ऐसे अब मैं इसको बता रही हूँ कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है। बहुत सिंपल है, आपने फेस पे पाउडर लगाना है। ओके, क्योंकि मेरे को फेस पे बहुत पसीना आ रहा था, तो पहले तो मैंने जो भी मुझे पसीना था वो मैंने पैट कर लिया है। ना ही आपको पसीना आना चाहिए, ना ही फेस गीला होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई। मेरे पास ये सिंथॉल का टेल्कम पाउडर है, आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो। आप इसको ऐसे हाथ में लेंगे, या तो आप उंगली से डैप कर लो, नहीं तो आप ऐसे लगा लो, दैट्स इट। हल्का हल्का लगाओ, इतना ज़्यादा नहीं है। ये तो मैं बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि ये आ रहा है इतना ज़्यादा। बिल्कुल हल्का हल्का आपने लगाना है, पैक करना है, क्योंकि पसीना नहीं आना चाहिए आपके फेस पे। ऐसे आपको जहाँ जहाँ ट्रिम करना है आप वहाँ वहाँ इसको ऐसे पैट करेंगे। पाउडर अच्छे से लगाना है, क्योंकि मैंने एक तो फ़ैन ऑफ कर रखा है तो मुझे पसीना बहुत आएगा। तो मैं जब ट्रिम करूँगी तो मैं फ़ैन ऑन करूँगी, क्योंकि मुझे पसीना बहुत आ रहा है इस वक्त, गर्मी लग रही है। हालांकि अक्टूबर है, और ये मेरा ट्रिमर है लाइट। ये जब खींचेगा ना बाल, तो ये ऐसी आवाज़ ही आएगी, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये मैं आईब्रोज़ में इसी से करती हूँ ऐसे। ये मेरी आईब्रोज़, मैं ऐसे इसको सर्कल मोड में यूँ लेके और अपनी आईब्रोज़ कर लेती हूँ। फोरहेड निकाल लेती हूँ, यहाँ के बाल निकाल लेती हूँ, ये मेरे साइड लॉक के बाल, ये मेरे फेस के बाल, ये मेरे अपर लिप, ये मेरे नोज़ के ऊपर कुछ भी ब्लैक हेड्स वगैरह कुछ भी होगा। ब्लैक हेड्स तो नहीं निकालेगा, वैसे मेरे ब्लैक हेड्स हैं भी नहीं। ब्लैक हेड्स के लिए अलग से एक गैजेट आता है, सकर आता है, निकलेगा अगर। तो गाइस जो बचा हुआ पाउडर मेरे हाथ में था, मैंने उसको भी लगा लिया, क्योंकि मुझे पसीने बहुत आ रहे थे। तो मुझे अब जैसे नेक का करना है, तो मेरे पास नेक के लिए मेरे पास ये दूसरा ट्रिमर है। दिस इज़ अनदर ट्रिमर विच आई यूज अर्लियर, आई न्यू अबाउट दिस। तो ये यस का ट्रिमर है, ये भी बिजली से चार्ज हो जाता है। इसको मैंने चार्ज पे लगाया है, यहाँ पे एक रेड बटन चल रहा है, इफ़ यू कैन सी। और ये देखो, ये ऐसे बैटरी ग्लो कर रही है, ये अभी थोड़ी देर में, ये देखो ये चार्ज हो रहा है। यहाँ पे एक रेड बटन है, वो एक चल गया है। तो अभी थोड़ी देर में जब चार्ज हो जाएगा तो मैं दिखाऊँगी। कुछ नहीं करना होता है, आप यहाँ से भी अपने जो ये बाल हैं इसे रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आई मीन यूजिंग इट वेरी रेगुलर, और मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे जब भी लगता है मेरे अपर लिप्स पे बाल आ गए हैं, मैं ऐसे करती हूँ, दैट्स इट। और बहुत ही फाइन लाइन फिट बन जाती है लिप्स की भी, आईब्रोज भी मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचुरल भी चाहिए होता है आईब्रोज, मैं एकदम डीप शार्प आईब्रोज प्रेफर नहीं करती हूँ। तो ये आईब्रोज पे भी आई डू इट लाइक दिस। मेरे पास आईब्रो मेकर भी है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ, ये जो मेरा दूसरा ट्रिमर था ये वर्टिकल वाला, इसमें मुझे दो ट्रिमर्स हैं इसमें। एक ये ब्लेड वाला ट्रिमर भी है, और यहाँ से जैसे हमारे अंडर नेक में बहुत बाल होते हैं, वी वॉन्ट टू रिमूव ऑल दोज थिंग्स, और वी वॉन्ट टू डू दी साइड रिमूवल ऑफ दिस हेयर, वी कैन डू विद दिस। आई हैव नॉट यूज मच ऑफ दिस ब्लेड बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था इस ब्लेड से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसमें ये चार्जर भी आता है, इसका चार्जिंग केबल भी है। सो जो हमारे मोबाइल के चार्ज होते हैं, सेम सॉकेट ही है ये, सो इट्स नथिंग डिफरेंट। अगर
खो भी जाता है, और अगर आप कैरी करना भूल भी जाते हैं तो आप मोबाइल का चार्जर लगा सकते हैं इफ़ यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ सॉकेट मैचिंग विथ योर मोबाइल चार्जर, अल्स ऑलवेज कैरी। तो मैंने इसका जो पाउच था, मैंने इस पाउच को कभी फेंका नहीं, मैंने इसको इसी में रखा। बस इसका जो गत्ते वाला बॉक्स था वो ख़राब हो गया था, वो मैंने फेंक दिया, और ये अभी चार्ज हुआ नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। बट यूज़ इसका सिमिलर ही है लाइक दिस। आप रेड बटन है, वे थोड़े में जब चार्ज हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। कुछ नहीं करना होता है, आप यहाँ से भी अपने जो ये बाल हैं इससे रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आई मीन यूजिंग इट वेरी रेगुलर, और मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे जब भी लगता है मेरे अपर लिप्स पे बाल आ गए हैं मैं ऐसे करती हूँ, दैट्स इट। और बहुत ही फाइन लाइन फिट बन जाती है लिप्स की भी। आईब्रोज़ भी मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचुरल भी चाहिए होता है आईब्रोज। मैं एकदम डीप शार्प आईब्रोज प्रेफर नहीं करती हूँ, तो ये आईब्रोज पे भी आई डू इट लाइक दिस। मेरे पास आईब्रो मेकर भी है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। लेट मी जस्ट शो यू माई आईब्रो मेकर ऑल्सो। तो ये सेम दीवा का आईब्रो मेकर है, इसमें भी अंदर ब्लेड होता है। जस्ट शो यू सी, ये जो ब्लेड है ये देखिए, ये ऐसे मूव होता है, और ये जो लाइट है, लाइट से कुछ लेना देना नहीं है इसका, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। और ये इसका कवर है, दिस इज़ अ कवर, ये ऐसे फिक्स हो जाता है, और ये ऐसे भी आप बना सकते हैं। मेरा ये ख़राब हो गया है बट मैंने अभी नया ऑर्डर नहीं करा है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू आईब्रो मेकर भी आता है ऐसा, सो यू कैन परचेज एन आईब्रो मेकर ऑल्सो। तो जो थ्रेडिंग का जो दर्द होता है वो अब आपको टॉयलेट नहीं करना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन अमेजोन। आप सिंपली लिखेंगे आईब्रो मेकर, फेशियल रिमूवर, हेयर रिमूवर, ये सब आपको मिल जाएंगे। आई होप ये जो मेरा एक वीडियो था बेनिफिशियल होगा लेडीज़ के लिए, क्योंकि मैं तो यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो 2 साल हो गए यूज़ करते हुए, तो मुझे तो आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगा है। मैं ये जो हमारा जो फ़ैन था, मैं इसको खोल रही हूँ आपके सामने, बिकॉज अभी इसमें बड़ा बाल तो नहीं आया, अगर बड़ा बाल आ जाता तो ये मेरा फ़ैन रुक जाता। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर आपका ये रिंग टूट जाएगा ना वाइट वाला, तो आपका ये ट्रिमर नहीं चलेगा, ये रिंग नहीं टूटना चाहिए गाइस। ओप्स, लॉट ऑफ हेयर, बहुत सारे बाल हैं, हाउ टू शो यू, बट आई कैन लिटरली सी अ लॉट ऑफ हेयर्स। ये देख, अच्छा ये दिख रहे हैं, देखो बहुत सारे बाल इसके अंदर आ गए हैं। दीज आर द फेशियल हेयर एंड साइड लॉक हेयर्स, इसके अंदर भी हैं। मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, मैं इसी से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ना ये थोड़ा सा पफी है, और बहुत अच्छे से एक दो बारी ऐसे करने से क्लीन हो जाता है। आप जो पेन ब्रश होता है गर्ल्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ज़्यादा ना इंजरिंग मत करना, अपने भाई लोगों को मत देना, ये फ़ैन बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। इफ़ दिस फैन ब्रेक्स, इफ़ दी वाइट रिंग्स ब्रेक्स, फिर आपको नया ऑर्डर करना पड़ेगा। वाइट रिंग मुझे पता नहीं कहीं मिल जाएगी तो, बट ये फ़ैन नहीं मिलेगा आपको। तो डू नॉट ट्राई टू बी वेरी एक्सपेरिमेंटल विथ योर गैजेट्स, जैसे हैं वैसे रहने दो। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दिस इज़ माई नेचुरल स्किन, और मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने सीधा जो मेरे फेस पे मैंने पाउडर लगाया था, टेल्कम पाउडर, वो मैं वाइप आउट कर दूँगी। मैं सामने सामने कर रही हूँ बिल्कुल, आई एम नॉट इवन ब्रेकिंग द वीडियो, बिल्कुल मैं वाइप आउट कर रही हूँ। मैंने बस बीच में लिपस्टिक लगा ली थी और कुछ नहीं। एक देखिए, दिस इज व्हाट कम्स आफ्टर योर फेस ट्रिमर, फेशियल ट्रिमर। यू कैन सी माय साइड लॉक्स, यू कैन सी दिस,
दिस इज़ माई फेस वंस आई डू द फेशियल ट्रिमर एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस गैजेट. मुझे इस गैजेट को यूज़ करते हुए 2 साल हो गए हैं. मुझे 2 साल रेगुलर हो गए हैं और मैं बिल्कुल भी अपर लिप में थ्रेड तो टॉलरेट ही नहीं कर सकती हूँ और ना आईब्रोज में. आईब्रोज भी मैं तभी बनवाती हूँ जब मेरे को बहुत ही ज़्यादा थिक आईब्रो हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं. और जो मुझे नेक पे भी बाल आते हैं तो वो नेक के बाल भी मैं, ये मेरा ट्रिमर स्टार्ट हो गया है. ये देखो, ये ऐसी लाइट, ग्रीन लाइट, इफ यू कैन सी, ये ग्रीन लाइट जलती है, ये ग्रीन लाइट जलती है और ये ट्रिमर ऐसे आवाज करता है एंड आई जस्ट डू इट लाइक. इससे मैं ये भी कर लेती हूँ. नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक यू नो ऑन योर फेस एंड इट इज़ वेरी गुड. आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप, हम लोग जब ऑफिस में होते हैं नाइट शिफ्ट में, हम लोग गर्ल्स होते हैं, हम लोगों को टाइम ही नहीं हो रहा होता है पार्लर जाने का. एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्लीन योर फेस, वॉश योर फेस, फिल योर लिपस्टिक and you're done with it. It's I'm just natural, kuch nahi, nothing, bas main lipstick lagayi hai aur aapke samne jo bhi ye aapke samne ye hai. I hope this tutorial or this video would be helpful for many ladies and girls jinke bahut face pe baal hote hain, jo har mahine har hafte wax karwati hain, nuchwati hain apne baal, they just get it stripped off like this. मैं तो आई कॉन्ट टेक ऑल दैट टॉर्चर एनी मोर ऑन माई फेस. तो आई गेस ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहेगा. ये जो गैजेट्स हैं यू कैन सिंपली सर्च ऑन अमेज़ॉन. मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी. अमेज़ॉन में अब 599 का है. पहले तो ये बहुत महंगे थे, दीवा के थे, तो मैंने 1000 रुपीज़ के ले रखे हैं ये 2018 में क्योंकि जब ये नए नए आए थे तो मुझे लेना था, मुझे ट्रैवल करना था तो मैंने लिए थे तब. ये तो मैंने 1000 रुपीज़ के ले रखे थे ये दोनों, मेरे दोनों गैजेट्स जो थे, आईब्रो मेकर और ये मेरा फेस ट्रिमर. आई गेस 1500 या 1000 का एक पीस आया था उस टाइम. अब तो बहुत चीप हो गए हैं क्योंकि बहुत अलग अलग कंपनीज़ ने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं. ट्राई एंड यूज़ देम और मुझे बताना कैसा लगा मेरा वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. आई विल बी कीप पोस्टिंग सच यूजफुल वीडियोस फॉर माय फ्रेंड्स, नॉट ओनली फॉर लेडीज़ एंड गर्ल्स बट आल्सो फॉर माय ऑल फ्रेंड्स, इवन फॉर बॉयज़, फॉर एवरीवन. मैं कोई जेंडर वाइज नहीं हूँ, मेरे लिए सब इक्वल है. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know it.